जीएसटी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमारे वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनके लिए हम लोग यह कैटेगरी बना लेंगे, जिसमें हम एक टैक्स रेट स्पेसिफाई कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आएंगी वो सारे प्रोडक्ट पे एक ही टैक्स लगेगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, सबसे पहले मैं यहाँ पर टैक्सेशन ऑन कर लेता हूँ। फीचर्स में जाएंगे, स्टेट रेट एंड टैक्सेशन में जाके इसको भी ऐसा देते हैं, इसको भी, और यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देते हैं। यहाँ इस फीचर को यस करेंगे। इसको यस करते ही हमारे पास एक फीचर ऑन होकर आएगा, इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर इन्वेंटरी इन्फो, स्टेटरी इन्फो, जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस करेंगे। और यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कर दिया, इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे तभी आएगा वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम इसको टैक्सेबल कर देंगे और यहाँ पर एक रेट स्पेसिफाई कर देते हैं 12%। तो जितने भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर आएंगे सब पे एक ही रेट लगेगा। स्टॉक आइटम में जाके मैं दो आइटम इसके अंदर में क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया मोबाइल, और इसको ऑल्ट सी करके यूनिट ऑफ मेजर पीसेस बना लेते हैं। इसके लिए भी हमने स्पेसिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो अपने आप सारी टैक्सेशन डिटेल आ जाएगी। दूसरा मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, और इसको भी पीसेस में मेजर कर लेते हैं, और इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफाई कर देंगे। तो इसके लिए भी हमारा टैक्स कैलकुलेट वही होगा जो 12% हमने डिसाइड किया। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले सेल करेंगे F8, और साथ ही साथ डेट चेंज कर लेते हैं, 1 जुलाई 2017 कर देते हैं हम लोग। ये सेल 1 है हमारी। सपोज मैं कैश ही सेल कर रहा हूँ और कंप्यूटर सेल कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक कंप्यूटर सेल किया, 25 इज द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और सेल का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, ये गुड्स कर देंगे। यहाँ पर सेल टैक्सेबल आ जाएगा हमारा। अगर ये क्लास नहीं आती तो F12 से यहाँ से इस फीचर को यस करके हम ये क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेल टैक्सेबल हो गया। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैं मोबाइल ले लेता हूँ। मोबाइल भी सपोज हमने 1 PC खरीदा है और ये है, ये तुम्हारा 20,000 रुपीज़ का है, तो ये भी आ गया हमारा सेल टैक्सेबल में आएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग टैक्सेशन लेजर बना देते हैं, ऑल सी से मैं CGST। सपोज ये हमारी लोकल सेल है, हालांकि मैंने कस्टमर नहीं बनाया है यहाँ पर CGST, मैंने कैश सेल किया है। तो CGST में मैं इसको बोल देता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और सेंटर टैक्स। इसके बाद ऑल सी करेंगे हम लोग SGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST के अंदर स्टेट टैक्स। ये हमारा पूरा एक्सेप्ट हो गया है। इसकी डिटेल देखते हैं, टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से डिटेल खोलेंगे। तो ये बता रहा है कि जो 25,000 रुपीज़ का कंप्यूटर है उसमें भी 6% कैलकुलेट होगा, और जो मोबाइल है उसमें भी इतना ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों की टैक्सेशन क्लास सेम ली थी। तो इस तरीके से हम लोग सेल्स की ट्रांजेक्शन या परचेज की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसमें हमारा जो टैक्सेशन का जो डिटेल होगा वो हमारा सेम रहेगा। जो भी प्रोडक्ट उस क्लास के अंडर में आएंगे सबका टैक्सेशन डिटेल सेम होगा। ये हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ गई है, इसमें कोई गलती है। पर्टिकुलर में क्या चाहिए इसको, यहाँ पर स्टेट आएगा क्योंकि लोकल स्टेट सेल हम दिखा रहे हैं, तो हमें स्टेट डालना पड़ेगा यहाँ पर। अभी ट्रांजेक्शन सही हो गई और यहाँ पर आ गए हमारे। B2C में इसलिए आई है क्योंकि ट्रांजेक्शन एक ऐसे कस्टमर के साथ हो रही है जो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि मैंने कोई कस्टमर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ कैश किया है। तो ये अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल हो रहा है इसलिए। तो इस तरीके से हम लोग एक क्लास डिटेल स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको GST क्लासिफिकेशन बोलेंगे।